मोहाली खरड़ के जनता चौक की रहने वाली पूजा किन्नर ने खरड़ पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूजा महंत ने आज चंडीगढ़ प्रेस क्लब में मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि बीती 11 जून को खरड़ के न्यू सन्नी एनक्लेव में पुलिस वाले किस तरह से दरवाजा तोड़कर उनके घर में घुसे और तोड़फोड़ की। इसका एक सीसीटीवी वीडियो भी दिया गया जिसमें पुलिसकर्मी घर में घुसते हुए दिखाई दे रहा है। पूजा ने बताया कि पुलिसकर्मियों ने सभी कमरों में तलाशी ली और तोड़फोड़ करने के बाद घर पर मौजूद दादी गुरु को बुरा भला कहा। यही नहीं, घर में रखे गहने और पैसे भी ले गए। पूजा ने बताया कि उनका दूसरे किन्नर गुट से पुराना विवाद चल रहा है और जो हमेशा हमारे कोई न कोई झूठी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाते रहते हैं। यहाँ पे एक किन्नर की डेथ हो गई, रात को 2:30 बजे में वहाँ पे चली गई, कुरुक्षेत्र लाड़वा जिला हरियाणा से आउट ऑफ सिटी। तो अगले दिन शुक्रवार के दिन मेरे बच्चियाँ के उत्ते अटैक होता है, इन्हों किडनैप किया जाता है। 5 घंटे इन्हों किडनैप किया करके रखे उन्होंने, और उसके बाद शाम को 5:30 बजे इनको खेतों में डाल के चले गए दो जनों को। और साथ ही मेरे घर पे पुलिस ने दरवाजे तोड़ के एंट्री करी। एंट्री करने के बाद मेरे ड्राइंग रूम में गए, मेरे घर में काम वाली थी, मेरे बुजुर्ग थे जो कि 100 के लगभग हैं उम्र में, बुजुर्ग है बहुत, उम्र ज़्यादा है उनकी और थोड़ा दिमाग भी उनका बच्चों जैसा है। तो वो घर में थे और एक काम वाली थी, उन्होंने पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि दरवाज़ा खोलो, वो बोले मालिक घर पे नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं किसी काम से और वो आ जाएंगे तो कुंडा खोल देंगे। उन्होंने बस इतना कहने के बाद दरवाजे तोड़ दिए, मेन गेट तोड़ा सबसे पहले, उसके बाद एंट्री की थी। एंट्री करने के बाद ड्राइंग रूम में एंट्री हुई। ड्राइंग रूम में एंट्री से पहले तो घर के बंदों से पूछताछ करी, जो एक काम वाली थी उससे थोड़ी सी दबाव डाल के उससे पूछताछ की उन्होंने, उसकी भी वीडियो हमारे पास है। और अंदर जब एंट्री करी उन्होंने उसकी भी वीडियो है। और जब पुलिस वालों ने फिर बाथरूम का अटैच बाथरूम होते हैं एक उसका दरवाज़ा ड्राइंग रूम से है मेरे रूम का और बाथरूम का दरवाज़ा, तो उस वहाँ से उन्होंने वो दरवाजे की चटकनी तोड़ के हाथों से गेट तोड़ा उन्होंने, मेन गेट तोड़ा उन्होंने लातों से। उनके बूट के भी निशान है गेट के ऊपर पुलिस वालों के, उनकी सीसीटीवी कैमरे की वीडियो भी हैं। और सारे अंदर से वो मेरा गोल्ड वगैरह 2,35,000 रुपये मेरी अलमारी में रखे थे ना, वो मैंने बैंक में डलवाने थे। उसी दिन हमारे घर में डेथ हो गई, गमगीन मौका आ गया, उस करके हमें जाना पड़ा लाड़वे, तो हम वो बैंक में डलवा नहीं पाए। वो भी वो लोग ले गए हैं 2,35,000 रुपये। दूसरा लॉक भी उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, लॉक तो टूटा नहीं, जो स्टैंड होता है कुंडा होता है खींचने वाला वो टूट गया, तो खैर बाहर निकल गया। उसमें से उन्होंने मेरी 2 रिंग, कानों के 3 तोले के टॉपस मेरे कानों के, और 5 तोले की 2 चूड़ी और 1.5 तोले का मंगलसूत्र, वो भी मेरा मिल नहीं रहा है घर के अंदर से, उसी अलमारी में उसी दराज में वो मेरा सामान था और वो पैसे थे, वो मेरा आने जाने में बिरादरी में आने जाने का मेरा अलग से जेवर था। साथ ही पूजा ने कहा कि हमारे जेलों के ऊपर कई बार जानलेवा हमले हो चुके हैं, लेकिन पुलिस शिकायत दर्ज करने के बावजूद दूसरे किन्नर गुट के किसी भी आरोपी को अरेस्ट नहीं किया है। पूजा ने मीडिया के सामने गुहार लगाई कि उनके जेलों के ऊपर हुए हमले के मामले में शिकायत के मुताबिक बनती कार्रवाई की जाए और बिना सर्च वारंट के पुलिस वालों ने घर में घुसकर जो लूटपाट की है उसकी जांच भी करवाई जाए। पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है और इन लोगों से खूब मैं ये खुला खुला कह रही हूँ कि फुल इनका रिश्वत का बाजार चल रहा है, ये इनका रोका जाए। आए दिन हमले हमारे बच्चों पे होते हैं और झूठी FIR भी हमारे खिलाफ होती है, जिसकी जो करवाने वाला कौन है, करुण जैन राजेश मलिक, जो कि उसने पहले भी मेरे को लिंग परिवर्तन के केस में मेरे गुरुजी को और मुझे जेल करा चुका है और सजा करा चुका है एरिया लेने के बाद भी मेरे गुरुजी से, उसके बाद भी उन्होंने सजा कराई और उस सजा में हमारी बेल हुई। जिस दिन से बेल हुई है उस दिन से आए दिन अटैक हो रहे हैं, वारदात हो रहे हैं और पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। पूजा ने पुलिस पर घर में घुसकर तोड़फोड़ करने और लूट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं और चेतावनी दी है कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं दिया गया तो वे मोहाली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगी। बहरहाल देखना होगा कि मामले में अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है जब आरोप खुद पुलिस पर ही लगे हैं। पंजाब के सी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।